नमो बुद्धाय। हम लोग ये जो आए हुए ये संसार की यात्रा बहुत ही कष्ट पीड़ा सहन करते करते आना पड़ा। हम लोग ये बात भगवान बुद्ध जन्म लेकर के बताए हैं, इसलिए जानते हैं। भगवान बुद्ध ये जीवन के बारे में बताने तक हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए भगवान बुद्ध की जन्म होना अंधकार दुनिया में सूरज उगना जैसा होता है। भगवान बुद्ध जन्म लेकर के ये धर्म बताने के बाद हम ये सारे दिक्कत समझ सकते हैं। हम लोग ये संसार में आए हैं नरक में जाके। हम लोग बहुत समय तक जानवर बन चुके होंगे, वो भी खत्म हो गया। नरक में गए होंगे, वो भी खत्म हो गया। मनुष्य लोक में आ गया, ये भी खत्म हो गया। तो हम लोगों को इस संसार में अब तक निर्वाण के लिए धर्म को प्रयास नहीं कर पाया। अभी हम लोगों को एक मौका मिला है, ऐसा मौका फिर कभी भी नहीं मिल सकता है। ये मौका उतना ही मुश्किल है, दुर्लभ है। हमारा पुण्य है, हमारा भाग्य है। अभी हमको हाथ पैर अच्छा से है, हमारे भाग्य से सोचने का, ज्ञान से मनन करने का शक्ति हम लोगों के पास है। हमें कुछ बताया तो समझने का शक्ति हम लोगों के पास अभी है। ऐसे है तो हम लोग हर तरफ से परिपूर्ण है। और हम लोग का भाग्य की बात है, हम लोग का पुण्य की बात है, ये जीवन के बारे में बताने वाले धर्म भी मिल गया। ये तथागत भगवान बुद्ध की ये जो आप सुनाई देता है ये शुद्ध धर्म पवित्र है। इधर उधर से मिला जुला के कोई बताते नहीं है। ये धर्म भगवान बुद्ध की धर्म है, इसलिए जब ये धर्म सुनाई देता है तब ये धर्म को अवबोध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर ये मौका आपसे छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। हम लोगों को फिर एक भगवान बुद्ध मिल सकता है, शायद नहीं भी मिल सकता है। फिर एक भगवान बुद्ध दुनिया में जन्म लेंगे तो लेंगे। मानव का उम्र 80,000 साल तक होने के बाद मैत्री भगवान बुद्ध इस संसार में जन्म लेंगे भविष्य में। उस समय मानव का उम्र 80,000, उतना ही समय कितना बीत जाएगा, लाखों साल के बाद होने का बात है ये। उतना दूर तक हम लोग इंतजार करते चल गया तो पता नहीं क्या होगा। हम लोग से जो कुछ होना है, गलतियां सब हो जाएगा। अगर मन सुधार नहीं हुआ तो, वाणी भी सुधार नहीं हुआ तो, शरीर भी नहीं सुधर गया तो, ये हम लोग बिताते 50-60 साल तक जीवन में कितना गलतियां इसी जीवन से ही हो सकता है। इतना छोटा जीवन में इतना गलतियां होगा तो मानव का उम्र 80,000 साल तक बढ़ते समय तक लाखों साल के बीच में हमें क्या होगा।
भगवान बुद्ध के धर्म में बताते हैं, पहाड़ जैसा बहुत बड़ा भोजन पूजा करने से भी ज्यादा आंख पलकने का देर तक, थोड़ा सा देर तक जीवन का यथार्थ, जीवन का सत्य समझने के लिए कोशिश करना महान है, उत्तम है, बहुत बड़ा भोजन पूजा करने से भी ज्यादा। ऐसे हैं तो हम लोगों को ये ज्ञान सही तरीके से लगा के जीवन को अवबोध करना चाहिए। हम लोग का ये जीवन का सारे दिक्कत खत्म कर सकता है इसी जीवन से ही, क्योंकि मनुष्य लोक में जन्म लेने के साथ साथ उस दुख खत्म करने का क्षमता के साथ जन्म होता है। उसके लिए हमें चाहिए ज्ञान से मनन करना। उसके लिए अवश्य एक सुंदर उपदेश आज हम लोग सुनेंगे। ये सुंदर उपदेश है अंगुत्तर निकाय में। ये सूत्र उपदेश का नाम है तयोधम्म सूत्र। क्या नाम? तयोधम्म। तीन कारण के हिसाब से बताया गया सूत्र तयोधम्म, तीन धर्म के बारे में बताया गया। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध की धर्म की रास्ता पे गया तो किसी का भी जीवन का खतरा से बच सकता है, अपना जीवन का खतरा से बच सकता है। भगवान बुद्ध की धर्म को देखने का चार कदम होता है। वो चार कदम क्या है? सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत। ये सात कदम के बारे में बताया गया एक सुंदर सूत्र, अभी सुनेंगे तयोधम्म सूत्र। इसी जीवन में ही हम सोतापन्न हो गया तो सारे दिक्कत खत्म करने का रास्ता पे जा सकता है। ये किसी का मन की परिवर्तन है, अवबोध होता है मन में। उसके लिए बहुत सारे कारण भगवान बुद्ध के उपदेश में हैं, गंदगी को खत्म करने के लिए। भगवान बुद्ध श्रावस्त में जेतवनाश्रम में रहते समय ये उपदेश बताए हैं। भगवान बुद्ध ने बताया, इस दुनिया में तीन कारण नहीं देख पाएगा तो तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध दुनिया में जन्म नहीं लेता है। कितना कारण दुनिया में नहीं देख पाएगा? तो तीन कारण। अगर दुनिया में तीन कारण नहीं है तो भगवान बुद्ध की जन्म नहीं होता है। भगवान बुद्ध की धर्म से कोई मतलब भी नहीं है। भगवान बुद्ध की धर्म चमकते नहीं है। वो तीन कारण है, जाति तथा जरा एवं मरण। जाति मतलब जन्म लेना, इस संसार में अगर जन्म लेना नहीं देखेगा तो, तथा जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बीमार, ये सब नहीं देख पाएगा तो, तथा मृत्यु नहीं देख पाएगा तो भगवान बुद्ध की जन्म नहीं होता है। भगवान बुद्ध की धर्म से कोई मतलब भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। भगवान बुद्ध की धर्म इसलिए जरूरत है कि ये तीन कारण से मुक्त होने के लिए। वो क्या है? जन्म, जाति तथा जरा यानी कि बुढ़ापा और बीमार, तथा मरण यानी कि मृत्यु। भगवान बुद्ध ने बताया, ये जाति जरा मरण ये तीन कारण से मुक्त नहीं हो सकता है राग दोष मोह, ये तीन कारण से बिना मुक्त होके। क्या है?
राग में जाति जरा मरण से मुक्त होना चाहिए तो और तीन कारण को मिटाना पड़ेगा। वो क्या है? राग, द्वेष, मोह। इस संसार में जो कोई जन्म से, जरा से, मृत्यु से मुक्त हो गया तो वो कौन सा चीज से मुक्त हो गया है? वो राग से मुक्त हो गया, द्वेष यानी कि क्रोध से मुक्त हो गया, मोह माया से मुक्त हो गया। ऐसे है तो राग, क्रोध, मोह माया से मुक्त हो गया तो वो कौन है? वो है अरहंत लोग। हम सभी लोग भगवान बुद्ध की ये गौतम बुद्ध शासन में ही राग, द्वेष, मोह से मुक्त होना चाहिए। ये गौतम बुद्ध शासन और समय तक इस धरती पर रहेगा। लोग कह सकता है ये धर्म की ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य नहीं है, ऐसा गलत निर्णय कभी मत लीजिए। अगर ये पारिशुद्ध रास्ता पे जाने वाले कोई स्त्री या पुरुष इसी गौतम बुद्ध शासन में ही राग, द्वेष, मोह को नष्ट करने के लिए कोशिश किया तो उन्हीं का जीवन का सारी दिक्कत खत्म हो जाता है। ऐसे है तो ये राग, द्वेष, मोह खत्म करना आसान नहीं है। राग मतलब आसक्त, काम भोगों पे आसक्त, लोभ, ये सबको राग कहता है। द्वेष मतलब क्रोध, नफरत, जलन, ये सब। मोह माया मतलब डर, भय, अज्ञान, ये सब मोह माया। भगवान बुद्ध ने बताया ये राग, द्वेष, मोह नष्ट करने के लिए और तीन कारण का जरूरत पड़ता है। ये राग, द्वेष, मोह नष्ट करना चाहिए तो और तीन कारण की जरूरत है। वही तीन कारण नहीं हो गया तो राग, द्वेष, मोह नष्ट नहीं कर सकता है। वो तीन कारण क्या है? सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलाबत परामास, ये तीन। सक्काय दिट्ठी को बिना खत्म करके, विचिकिच्छा को बिना खत्म करके, सीलाबत परामास को बिना खत्म करके राग, द्वेष, मोह खत्म नहीं कर सकता है। इसका मतलब अरहत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलबत परामास, ये चीज जो खत्म किया है उन्हीं को सिर्फ राग, द्वेष, मोह को खत्म कर सकता है। ये तीन कारण नष्ट हो गया तो वो सोतापन होता है, सम्मादिट्ठी उत्पन्न होता है, आर्यष्टांगिक मार्ग पे पूरा दिल से घुस जाता है। इसके बाद उन्हीं का शरीर का खून, मांस, नस, हड्डी, ये कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। वैसे ही है, शरीर का ये चीज अलग नहीं कर सकता है, वैसे ही है उन्हीं का अवबोध किसी को नष्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए जाना चाहिए तो सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलबत परामास, ये तीन कारण नष्ट होना पड़ता है। सक्काय मतलब पंच उपादान स्कंद का नाम है। पंच उपादान स्कंद विस्तार से आप हम समझना चाहिए। उपादान स्कंद मतलब बंधन, उसका पहला है रूप। रूप मतलब भगवान बुद्ध ने बताया चार महाधातु से बन गया, वो है पृथ्वी यानी कि मिट्टी साथ मिलने वाला चीज, आपो
यानी कि पानी के साथ मिलने वाला चीज, तेजो यानी कि गर्म आग के साथ मिलने वाला चीज, तथा वायु यानी कि वायु के साथ मिलने वाला चीज। ये चार चीज मिलने के बाद रूप कहता है। वो पृथ्वी धातु क्या है शरीर का? केस, लोम, नाखून, दांत, चमड़ी, मांस, नस, हड्डी, पेपड़ा, बड़िया, चोटिया, किडनी और पेकाना, दिमाग, ये सब पृथ्वी धातु हैं। ये सब जीवन के साथ, शरीर के साथ मिला हुआ है। इसके साथ, इसके बाद आपोधातु। आपोधातु मतलब क्या है शरीर का? पित्त, कखार, पीप, खून, पसीना, मेद, आंसू, तेल और सर्दी, मूत्र, ये सब आपोधातु। इसके बाद तेजो धातु। तेजो धातु मतलब ये शरीर गर्म करने वाले जो कुछ स्वभाव है, और जो खाना खाता है वो खाना पचाने का जो कोई गर्म स्वभाव है, और कभी कभी बुखार पड़ता है, वैसा ही शरीर का गर्म करने का कोई स्वभाव है, वो है तेजो धातु। इसके बाद वायु धातु। वायु धातु मतलब शरीर से नीचे से ऊपर तक जाने वाले हवा, तथा ऊपर से नीचे तक जाने वाले हवा, पेट में रहने वाले हवा, बढ़िया, नस, धमनी, ये सारे हर जगह पे जाने वाले हवा, इसी को कहता है वायु धातु। ये चार पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये चार चीज मिलने के बाद रूप कहता है, सकाय। ये सब कुछ सकाय है। जो कुछ इसी रूप में मोहित होता है, जो कुछ इसी रूप में, रूप मतलब अपना शरीर पे मोहित हो जाता है, वे लोग मैं, मेरा, मेरा आत्मा समझ के अपना रूप में घुस जाता है, उसको कहता है सक्काय दिट्ठी। अब समझ गया, सक्काय दिट्ठी मतलब ये जो पृथ्वी आपो तेजो वायु से बनाया हुआ अपना शरीर को मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, इस समझ के पकड़ लेता है, उसको कहता है सक्काय दिट्ठी। इसी प्रकार लोग वेदना, दर्द महसूस को, दर्द महसूस से भी बंधन होता है। वेदना मतलब सहन करना। आंख से रूप देख के सुख या दुख या उपेक्षा को सहन करता है। कान से आवाज सुन के सुख सहन करता है या दुख मिलता है या उपेक्षा सहन करता है। नाक से सुन के सुख या दुख या उपेक्षा सहन करता है। जीभ से स्वाद लेकर के सुख दुख उपेक्षा सहन करता है। शरीर से स्पर्श लेकर के सुख या दुख या उपेक्षा को सहन करता है। मन से विचार करके सुख या दुख या उपेक्षा को सहन करता है। ऐसे है तो ये सहन करने के लिए, ये सहन वेदना होता है कोई चीज का मिलन होने के कारण, तीन चीज का मिलन होने के कारण, आंख तथा रूप तथा विज्ञान, ये तीन मिलने के बाद रूप देख सकता है, तभी तो सहन करना पड़ता है। कान, आवाज तथा विज्ञान मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। नाक, गमक या धमक,
विज्ञान मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। जीव रस विज्ञान के साथ मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। शरीर स्पर्श विज्ञान के साथ मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। मन विचार विज्ञान के साथ मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। ये तीन चीज का मिलन के कारण वेदना उत्पन्न होता है। अगर ये लोग नहीं जानेगा तो लोग क्या करता है, वेदना उत्पन्न होने के बाद उसमें फंस जाता है, डूब जाता है। मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, मुझे ऐसे दर्द आ गया है, वो है साक्षाय दिट्ठि, उससे मुक्त होना चाहिए। राग द्वेष को मोह को खत्म करना चाहिए। तो इसके बाद वो बंधन हो जाता है संज्ञा को। संज्ञा मतलब, संज्ञा मतलब पहचान। रूप को पहचानने के लिए रूप तथा विज्ञान मिलना चाहिए आँख के साथ। शब्द को पहचानने के लिए कान आवाज एवं विज्ञान के साथ मिलना चाहिए। गमक धमक को पहचानने के लिए नाक गमक धमक तथा विज्ञान के साथ मिलना चाहिए। स्वाद पहचानने के लिए जीभ रस विज्ञान के साथ मिलना चाहिए। शरीर से स्पर्श को पहचानने के लिए शरीर स्पर्श तथा विज्ञान के साथ मिलना चाहिए। मन में विचार को पहचानने के लिए मन विचार तथा विज्ञान मिलना चाहिए। ऐसे नहीं है तो संज्ञा नहीं पहचान पाता है। ऐसे है तो ये संज्ञा पहचान मतलब तीन चीज का स्पर्श के कारण होता है, मिलन के कारण होता है। ये अगर नहीं जान गया तो, अवबोध नहीं हुआ तो इस संसार के सारे चीज पे वो मोहित हो जाता है, बंधन हो जाता है। कैसे, मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, उसको कहता है सक्काय दिट्ठि। इसके बाद चेतना उत्पन्न होता है। आंख से रूप देख के उसके बारे में मनन करता है। ऐसे होने के बाद चेतना को मूलिक करके वो मनन करता है। चेतना को मुख्य बना के मनन करने से उसी प्रकार वो बात करता है। चेतना लेकर सोच के ही वो बात करता है, शरीर से काम करता है तथा विचार करता है मन से। ऐसे है तो चेतना उत्पन्न होने के लिए भी तीन चीज का मिलन जरूरत है। आंख रूप तथा विज्ञान मिलना चाहिए चेतना उत्पन्न होने के लिए। कान आवाज तथा विज्ञान मिलना चाहिए चेतना उत्पन्न होने के लिए। नाक धमक तथा विज्ञान मिलना चाहिए चेतना उत्पन्न होने के लिए। जीभ रस विज्ञान के साथ मिलना चाहिए चेतना उत्पन्न होने के लिए। शरीर स्पर्श विज्ञान के साथ मिलना चाहिए चेतना उत्पन्न होने के लिए। मन विचार विज्ञान के साथ मिलना चाहिए चेतना उत्पन्न होने के लिए। इसके बारे में अगर अवबोध नहीं है तो, अच्छा से इसके बारे में समझ नहीं गया तो, नहीं समझ गया तो आदमी लोग बंधन हो जाता है। मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, मोहित हो जाता है, बंधन हो जाता है। इसी बंधन को कहता है सक्काय दिट्ठि। ये जीवन के अंदर में क्या होता है, अंदर की बात क्या है, ये समझने के लिए उन्हीं को चाहिए ध्यान।
स्मृति चाहिए, अच्छा से होश में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए तथा मनन करना चाहिए। इसके बाद ये विज्ञान का क्रियाकारित्व, ये विज्ञान भी काम करता है नाम रूप, नाम एवं रूप के कारण। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे है तो आँख में विज्ञान उत्पन्न होता है नाम रूप के कारण, कान में विज्ञान उत्पन्न होता है, नाक में विज्ञान उत्पन्न होता है, जीभ में विज्ञान उत्पन्न होता है, शरीर में विज्ञान उत्पन्न होता है नाम एवं रूप के कारण। ऐसे है तो ये विज्ञान के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया ये विज्ञान जादूगर जैसा है, अलग अलग प्रकार की माया दिखाता है, अलग अलग प्रकार की विचार दिलाता है। पूरे संसार इसी विज्ञान में फंसे हुए हैं, इसीलिए लोग मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, ऐसा कई प्रकार के दिट्ठी में, दृष्टि में बंधन हो जाते हैं। क्यों? इन लोग का विज्ञान कभी पकड़ा नहीं, विज्ञान को जैसा तैसा रहने देता है, अवबोध नहीं कर पाता है। ऐसे है तो ये रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये पांच उपादान स्कंद के बारे में अगर अवबोध नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो वे लोग मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है ऐसा मान के जैसा तैसा रहते हैं। उसी को कहता है सक्काय दिट्ठी। इसके बाद लोग सोचता है अपना मर्जी से ये अपना कंट्रोल में वश में कर सकता है, ये सब विचार आ जाता है अवबोध नहीं होने के कारण, ये नष्ट होने के लिए हम आप सभी लोगों का मन से तीन चीज दूर होना चाहिए, वो क्या है? राग, द्वेष, मोह। ये मायाकारी जादू वाला जैसा आंतरिक शक्ति को सबसे पहले इसी शक्ति से मुक्त हो गए हैं तथागत भगवान बुद्ध। जिसके पास विचिकित्सा है, विचिकित्सा मतलब शक, विचिकित्सा है, वो भगवान बुद्ध की अवबोध को शक करता है, भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में शक करता है, भगवान बुद्ध जो बताया गया धर्म के बारे में शक करता है। जिसके पास अवबोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे लोग कह सकता है ये तरीका ठीक नहीं है, ये ऐसे कैसे मुक्त हो सकते है? बहुत लंबा चौड़ा है ये, हम लोग को जरूरत नहीं, उससे अच्छा हम लोग जाके मंदिर उंदिर में पूजा करते रहेंगे और क्या, ईश्वर के पास जा सकता है मरने के बाद, स्वर्ग में जा सकता है, ऐसा बात पे सभी लोग फंस जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, इसके बाद भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ता पे जा करके जो धर्म को प्राप्त किए हैं अरहंत लोग, उन लोग के बारे में भी शक करता है, विचिकित्सा, उसको कहता है विचिकित्सा। इसके बाद अपना जीवन में अतीत के बारे में शक करता है, भविष्य के बारे में शक करता है। ये शक कैसे उत्पन्न होता है? पटिच्च समुपाद को अवबोध नहीं होने के कारण, पटिच्च समुपाद को अवबोध करके ये सारे शक से, संदेह से मुक्त हो सकता है। इसके बाद वो शिक्षा को शक करता है, निर्वाण के लिए जो रास्ता है उसी रास्ता पर शक है। ऐसे है तो राग, द्वेष, मोह से मुक्त होना चाहिए तो ये शक से, संदेह से, विचिकित्सा से मुक्त होना चाहिए। ऐसे है तो इसके बाद सीलबद्ध परामास भी नष्ट होना चाहिए, कई प्रकार की सील व्रत में बंधन नहीं होना है,
अपना जीवन पारिशुद्ध होना चाहिए। सीलबत परामास मतलब हिमालय तरफ से साधु लोग हैं, बहुत सारे लोग गलत निर्णय लेता है, ऐसा करने से मुक्ति मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ज्ञान प्राप्त, थोड़ा ध्यान करके मन शांत होने के बाद लोग फंस जाते हैं अपना मन में, हम ज्ञान प्राप्त। लोग कहता है मेरा जो हम गुरु मानते हैं वो गुरु जी महाराज जी ज्ञान प्राप्त है, आराम से दुनिया फंस जाता है। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा सीलबत परामास, सील व्रत में बंधन हो जाता है, ऐसा दृष्टि में बंधन हो के रहते हैं लोग, उसी चीज से मुक्त होना चाहिए, पारिशुद्ध होना चाहिए अपना जीवन। ऐसे है तो सकाय दिट्ठी विचिकित्सा सीलबत परामास, ये तीन कारण हम लोग को संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। अगर ये तीन कारण नष्ट हो गया तो हमें राग द्वेष एवं मोह को नष्ट कर सकता है। राग द्वेष मोह नष्ट हो गया तो हमें जाति जरा मरण से मुक्त हो सकता है। ऐसे है तो राग द्वेष मोह नष्ट नहीं कर सकता है, सकाय दिट्ठि विचिकित्सा सीलबत परामास बिना नष्ट करके। कैसे ये नष्ट कर सकता है? भगवान बुद्ध ने बताया सकाय दिट्ठि विचिकित्सा सीलबत परामास नष्ट करना चाहिए तो और तीन चीज नष्ट करना पड़ेगा। वो क्या है? अयोनिसो मनसिकार नष्ट करना है, गलत संगत में रहना हटाना है, मन का मुरझा मन का गंदगी हटाना चाहिए। देखिए हम लोगों को सोतापन होने के लिए सकाय दिट्ठि विचिकित्सा सीलबत परामास नष्ट करने के पहले ये तीन कारण नष्ट करना पड़ेगा। अयोनिसो मनसिकार से ही हम इस संसार में दीर्घ समय तक आ चुके हैं। अयोनिसो मनसिकार मतलब मन को कोई कंट्रोल नहीं है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, मनन नहीं कर सकता है। जैसा तैसा मन में आता है उसी प्रकार सोच के रहता है, जैसा मुंह पे आता है वैसा बोलते रहता है, जैसा मन में आता है उसी प्रकार करते करते रहता है। ऐसे होने का कारण क्या है? अपना मन गलत ढंग से बढ़ाना, उसको कहता है अयोनिसो मनसिकार, ज्ञान से मनन नहीं कर सकता है। ये अयोनिसो मनसिकार बहुत ही खतरनाक है। इसी अयोनिसो मनसिकार से जो उत्पन्न नहीं हुआ पाप अकुशल सब उत्पन्न होता है। जो अपना जीवन में मन में उत्पन्न हुआ पाप अकुशल वो सब बढ़ता जाता है। अयोनिसो मनसिकार नष्ट करना चाहिए तो और एक चीज उधर पे आना चाहिए, वो क्या है? योनिसो मनसिकार। अगर योनिसो मनसिकार आ गया तो जो उत्पन्न हुआ पाप अकुशल वो सब नष्ट हो जाता है। जो नहीं उत्पन्न हुआ पुण्य और कुशल वो सब उत्पन्न हो जाता है। अच्छा से देखिए, हम लोग का जीवन में ये योनिसो मनसिकार नहीं आ गया तो हम लोग को अपना गलती से कमजोरी से नहीं बच पाता है। इसीलिए ज्ञान से मनन करना बहुत जरूरी है। जैसा तैसा मन में आता है वैसा कभी विचार मनन नहीं करिए। इसके बाद गलत मार्ग संगत करना, गलत मार्ग संगत करने से भी हम लोग मुक्त होना चाहिए।
गलत मार्ग संगत नहीं करना चाहिए। गलत मार्ग संगत करना, त्याग करना चाहिए। ये गलत मार्ग त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तथागत भगवान बुद्ध की उपदेश को सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध की उपदेश नहीं सुनेगा तो ये गलत मार्ग की संगत कैसे दूर कर सकता है, क्योंकि वो जानता नहीं इसका खतरा के बारे में, कोई समझ नहीं सकता है। ऐसे हैं तो संसार के लोग कहते हैं हर एक धर्म एक ही है, हर एक ज्ञान की रास्ता एक ही है, हर एक धर्म में एक ही रास्ता बताता है, गुरु एक है, सबका गुरु एक है, ऐसा कहता है। अच्छी तरह से हमें समझ में आता है भगवान बुद्ध के ज्ञान से हर एक धर्म एक ही नहीं है, बाकी धर्म की रास्ता से कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आर्यष्टांगिक मार्ग कोई भी धर्म में नहीं है। ये निर्वाण रास्ता के लिए, निर्वाण की ओर के लिए बुद्ध धम्म संघ शरण में जो जाता है सिर्फ उन्हीं को कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य लोगों को बताया बिना डर के कहीं भी जा करके बता दीजिए, इस दुनिया में संसार में सोतापन्न लोग सिर्फ बुद्ध शासन में रहते हैं, सकदागामी लोग सिर्फ बुद्ध शासन में रहते हैं, अनागामी लोग बुद्ध शासन में ही रहते हैं, अरहंत लोग भी सिर्फ बुद्ध शासन में ही रहते हैं। अब हिमालय याद किया तो किसको याद आता है? ऋषि लोग को याद आता है। वो ऋषि लोग, वो साधु बाबा लोग सोतापन्न हो गए क्या? नहीं। ऐसे है तो अच्छी तरह से दिखाई देता है हिमालय से ये सब सोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत लोग प्राप्त नहीं होता है। हिमालय में या चांद में या सूरज में कहीं भी जहां भगवान बुद्ध की धर्म है सिर्फ वहां वे लोग का प्राप्ति होता है, बाकी किसी को नहीं। कहीं भी बिहार में या कहीं भी भगवान बुद्ध की पारिशुद्ध धर्म जहां है वहां रास्ता है, सही रास्ता है। ऐसे है तो भगवान बुद्ध ने बताया अयोनिसो मनसिकार दूर करना चाहिए, गलत मार्ग का संगत दूर करना चाहिए, मन का गंदगी को दूर करना चाहिए। ये तीन कारण नष्ट करने के लिए और तीन कारण को नष्ट करना पड़ेगा, वो है मुट्ठा सती मतलब स्मृति, मुठ हो गया, मुट्ठा सती मतलब मन भोतर हो गया है। इसके बाद मन भोतर हो जाता है मतलब मन फ्रेश नहीं है, ये दूर करना चाहिए। तथा असंपजन्य मतलब अपना ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करना, दूर करना चाहिए। इसका मतलब ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद चेतसो विक्षेपण, मन का मन भटकते रहता है वो दूर करना चाहिए। ऐसे है तो हम लोगों का मन में ये सारे कारण बिना नष्ट करके ये मार्ग भी नहीं जा सकता है। जाने के लिए इस होश में रहना चाहिए, ध्यान में रहते हुए ज्ञान से मनन करना चाहिए। अभी हम लोगों को सामान्य ध्यान है, होश है, स्मृति है,
इसलिए तो हम लोग रास्ता पे जाते समय बिना गिर के जाते हैं, गाड़ी से बच के जाते हैं, दरवाजा खिड़की में दीवार में बिना सट के जा सकते हैं, दूसरों का आदमी को बिना धक्का देके हुए जा सकता है, सीढ़ी से बिना गिरे हुए उतर सकता है। वो क्या है? वो भी ध्यान है। ये ध्यान असली ध्यान नहीं है, क्योंकि ऐसा ध्यान रहने पर मन की गंदगी मिट जाएगा नहीं, अवबोध हो जाता है नहीं। हम लोगों को कभी कभी मिहीन काम करने के लिए ध्यान चाहिए, वो एकदम मिहीन मतलब क्या है, अकुशल पाप को रोकने के लिए ध्यान चाहिए। देखिए आप लोग भी कभी कभी मिहीन काम करता है ना, वो क्या है, सिर को बाल चेक करके करके ढीला निकालता है, ये भी बहुत मिहीन है। लेकिन ये ध्यान बहुत मिहीन ध्यान है, लेकिन ये ध्यान मिच्छा सती मिथ्या ध्यान है, सही ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग पाना चाहिए सम्मा सती, सम्मा सती चाहिए मुठ्ठ सती को दूर करने के लिए, मुरझा गया ध्यान को दूर करने के लिए सम्यक ध्यान चाहिए। उसके लिए अपना ध्यान से मनन करना चाहिए, ध्यान से मनन करना चाहिए, अयोनिसो मनसिकार नहीं आने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए ज्ञान। हम लोग का मन का सामान्य तरीका है, मन हमेशा भटकते रहता है, इसीलिए जल्दी गुस्सा आता है, तुरंत निर्णय लेता है, जल्दी हो जाता है, जल्दी काम करना चाहता है। ये सब कुछ होने का कारण है मन शांत नहीं होना। ये कंट्रोल करना पालन करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको भी दिखाई देता है कहीं जाकर के कोई बांटने गया तो बांटना बहुत मुश्किल, आदमी का मन पूरा भटकते रहता है, चिल्लाता है, लड़ाई करता है। अगर मन बढ़ गया तो पहचान सकता है कैसे है, वो हल्ला गुल्ला नहीं करता है, लड़ाई उड़ाई नहीं करता है, उसको मिल गया तो लेता है नहीं तो चोर देता है। वे लोगों का मन आगे बढ़ा है, बढ़ गया है, उन लोग का वीर्य है, उन लोग के पास ज्ञान है, मन भटकता नहीं है। जिसका मन भटकता नहीं है वे उस आदमी को पहचानना बहुत आसान है, मन भटकने वाले लोगों को भी पहचानना आसान है। मन भटकने वाले लोग जिसके पास मन शांत नहीं है वे लोग को थोड़ा हुर दिया तो तुरंत हड़बड़ाता है। देखिए हम लोग का जीवन के अंदर कितना सारे चीज होता है जो हम नहीं जानते। भगवान बुद्ध ने बताया ये मन में जो मन मोहित होने का तरीका तथा ज्ञान से मनन नहीं करने का तरीका तथा मन भटकने का तरीका, ये तीन चीज नष्ट करना चाहिए। ये तीन चीज नष्ट करने के लिए और तीन चीज का जरूरत पड़ता है। पहला है अरियानंग अदस्सनंग कम्यतंग, पारिशुद्ध धर्म बताने वाले लोग को दर्शन करने में पसंद नहीं, ये दूर करना चाहिए। दूसरा है पारिशुद्ध निर्मल सत्य धर्म को सुनने में पसंद नहीं, ये भी दूर करना चाहिए। तीसरा है जो धर्म सुनता है उसी धर्म का भी गलत खोज के रहता है, उसको कहता है उपारंभ चित्त, ये भी दूर करना चाहिए। अब देखिए वो धर्म सुनने में पसंद नहीं है,
जो धर्म बताता है वे लोगों का दर्शन भी पसंद नहीं है। जबरदस्त उसको खींच के ले जाता है, चलो बैठ के रहता है। वो क्या करता है, वो जो ज्ञान सुनता है, सुनने के बाद उसका गलत खोज के रहता है, खोज के, हाँ एक गलती हो गया और एक गलती हो गया, ऐसे करके गलती खोज के रहता है जबरदस्ती लोग। अब देखिए, हम लोगों को ये सब कुछ नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया, दूर करने के लिए, प्रहान करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म सुनते हैं धर्म का गलती खोजने के लिए नहीं, धर्म को प्राप्त करने के लिए। ऐसे धर्म को अवबोध करने के लिए सुन लिया तो, धर्म सुनने में पसंद हो गया तो ये धर्म सुन के धर्म को अवबोध कर सकता है। इसके बाद और लोग धर्म सुनने में पसंद नहीं है, धर्म का गलत ही खोज के रहता है। पारिशुद्ध धर्म बताने वाले लोग का दर्शन करना पसंद नहीं है। ये तीन कारण दूर करने के लिए, और तीन कारण का दूर करना जरूरी है। वो तीन कारण क्या है? अहंकार, अशांति तथा दुशीलता। अच्छा से आप देखिए, जिसके पास अहंकार है तो, जो शांत नहीं है तो, जो शीलवान नहीं है तो, वो कभी धर्म सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। कम से कम एक मिल गया तब भी सुनेगा, लेकिन नहीं सुनेगा। देखिए, बिंबिसार राजा का एक पत्नी थी सुंदर, उनका नाम खेमा। खेमा को ये धर्म अवबोध करने का पुण्य था, लेकिन वो अपना सुंदर थी वो, इसीलिए अपना रूप में फंस गया है, अपना सुंदरता में फंस गया है। अगर कोई भी सुंदरता के बारे में बोल दिया तो कुछ उन लोग के साथ संगत करना हटा देता है। खेमा को सुनने में आया भगवान बुद्ध इस रूप को डांटता है, लेकिन भगवान बुद्ध रूप को डांटता नहीं, रूप का सत्य बताता है शरीर का, लेकिन सुनने में आता है कैसे, भगवान बुद्ध रूप को बहुत डांटता है कस के, ऐसे सुनने में आता है। इसीलिए खेमा कभी भगवान बुद्ध को दर्शन के लिए नहीं जाती। लेकिन खेमा का पति बिंबिसार महाराज, मगध का महाराज, धर्म की रास्ता पे जा करके ये सब खत्म भी कर चुके हैं, लेकिन खेमा नहीं, अहंकार घमंड में रह करके महल में रह गए। महाराज जो बात आता है वो भी नहीं मानती है, बहुत अहंकार। इसके बाद बिंबिसार महाराज सोचा इसके लिए मैं कुछ उपाय लगाऊंगा। इसके बाद कवि लोगों को बुला के, वेलुवन बगीचा भगवान बुद्ध को पूजा किए थे महाराज उसी समय ही, उसी वेलुवन बगीचा का सुंदरता के बारे में कविता बनाया, गाना बनाया, बना के गायक लोग गाने लगा। ऐसे गाना गाने के बाद वेलुवन आश्रम के बारे में खेमा को उसी वेलुवन आश्रम दर्शन करना पसंद हो गया, मन में आ गया हम भी दर्शन करेंगे। राजा सिपाही लोगों को बताया अभी जरूर ये चलेगी, अगर वेलुवन आश्रम के अंदर गया तो बताइए कानून है, भगवान बुद्ध जी से मिल के ही आना पड़ेगा, बिना मिल के नहीं आ सकता, ये नियम है, ऐसे बता दो कि राजा ने सिपाहियों को बताया। तो खेमा देवी महाराजा के पास आके बताया, महाराज मुझे वेलुवन आश्रम देखना चाहते हैं। इसके बाद महाराजा बताया, ठीक जाइए जाइए देव, अच्छा से देख के आइए। अब ये चले गए जाकर के वेलुवन बगीचे में, चिड़िया, फूल, सुंदर सुंदर पेड़ पौधा अच्छा से देख लिया, बहुत सुंदर, भगवान बुद्ध की जगह खूबसूरत,
इसको छुपे छुपे गेट से बाहर आने के लिए कोशिश किया। इसके बाद एक सिपाही ने बताया, हाँ हाँ देवी रानी, महारानी जी आपको नहीं जा सकता है। क्यों? मैं महारानी, जाने दो। यार महाराजा का आज्ञा, जो कोई वेलुवन के अंदर आता है उसको भगवान बुद्ध के दर्शन करके ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद मजबूरी में खेमा को भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ा। जैसे वो ले जाती थी, जो मारने के लिए ले जाता है ना, उसी प्रकार उसको ले जाना पड़ा। बहुत मुश्किल से गया। भगवान बुद्ध दूर से दिखाई देता है, थोड़ा नजदीक में आने के बाद देखा सुंदर एक लड़की भगवान बुद्ध को हवा होकती है। अब वो खेमा का मन में पुराना विचार था सब नष्ट हो गया। बाप रे, मैं कितना मूर्ख थी, मैं सुना और कुछ। अब ये खेमा को भगवान बुद्ध के उपदेश कोई सुनाई नहीं देता है। मुंह खाना खोल के वो भगवान बुद्ध को हवा होकती है, वो लड़की को देखते रहती है। खूबसूरत, एकदम सुंदर, नील रंग का बाल, खेमा से ज्यादा सुंदर लड़की, एकदम आसक्त हो गए उसी लड़की पर। पूरा देखते रहता है, मेरा बाल से ज्यादा इसका बाल सुंदर है। धीरे धीरे वो सुंदर लड़की को क्या हुआ, वो भगवान बुद्ध ने बना दिया अपना रिद्धि से, काला बाल उजला हो गया, दोनों गाल अंदर चल गया, दांत बाहर आके गिर गया, दोनों कान गिरने लगा, दोनों आंत बांस का छोटा पेट जैसा सूख गया, धीरे धीरे कंकाल बन गया, कंकाल बन के तुरंत गिर गया। गिरने के बाद भगवान बुद्ध जीवन के बारे में एक गाथा बताया। इसके बाद खेमा बहुत बुद्धिमान थी, वो तुरंत भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के भगवान बुद्ध की रास्ता पे चले गए। वो भी चीवर पहन ली, मुक्ति को प्राप्त की। देखिए खेमा को क्या हुआ था, पहले अहंकार से रहा, इसलिए हम लोग के अहंकार को दूर करना चाहिए तथा शांति को अपनाना चाहिए, दुशीलता को दूर करना चाहिए। ऐसे हैं तो ये सब दूर करके जो शांत होने में पसंद है, शीलवान होने में पसंद है, नम्रता होने में पसंद है, अहंकार को मिटा के ये गुण धर्म बढ़ गया तो उसके साथ साथ अपना जीवन भी आगे बढ़ता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, अहंकार, अशांति, दुशीलता, ये तीन कारण दूर करने के लिए जो श्रद्धा नहीं है वो दूर करना चाहिए। कोसज्जन, जो कहता है वो नहीं मानता है ना, वो दूर करना चाहिए। इसके बाद आलसी दूर करना चाहिए। भगवान बुद्ध के धर्म में आलसी के लिए कोई जगह नहीं है, वीर के लिए ही जगह है, हिम्मत के लिए ही जगह है। भगवान बुद्ध के धर्म में इतना ही वीर के बारे में बात करता है, वैसा दुनिया में कहीं वीर के बारे में बात नहीं करता है। अभी हम लोग भी धीरे धीरे भगवान बुद्ध के धर्म से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, वीर के आधार से। वीर नहीं है तो हम लोग जैसा तैसा आलतू पालतू चीज में फंस जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में बहुत सुंदर एक जगह था, लिच्छवी राज्य, लिच्छवी लोगों का राज्य। भगवान बुद्ध पूछते हैं, देखिए ये लिच्छवी लोग कितना ही आगे बढ़ा है, इन लोग का वीर्य है इसीलिए आगे बढ़ गया। भगवान बुद्ध ने बताया, ये सब कुछ वीर से प्राप्त हो सकता है, और तरीका नहीं है। उन्होंने बताया, श्रद्धा नहीं है और जो कहना नहीं मानता है तथा आलसी है, ये तीन कारण दूर करना चाहिए।
ये तीन कारण दूर करने के लिए और तीन कारण का दूर करना बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं होना मतलब भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में, संघ के बारे में श्रद्धा नहीं है। इसके बाद जो कहना नहीं मानता है मतलब भगवान बुद्ध की रास्ता को मानते नहीं है। आलसी मतलब अपना गंदगी, मन की गंदगी को मिटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। ये तीन कारण दूर करने के लिए और तीन कारण का दूर करना जरूरी है। वो क्या है? अनादरी, आदर रहित होना दूर करना चाहिए। दो चस्तंग मतलब अनाज्ञाकारी दूर करना चाहिए। तथा पाप मित्रतंग, पापी मित्र लोगों के साथ संगत दूर करना चाहिए। देखिए पाप मित्र संगत में आने के बाद पाप मित्र संगत के साथ जो तीन कारण मिल गया वो क्या है? अनादरी मतलब कोई लगाव नहीं रहता है, अनादरी मतलब। और दूसरा अनाज्ञाकारी, बात को नहीं मानता है। तीसरा पाप मित्र। ये बात भगवान बुद्ध ने अभी से 2500 साल पहले बताए हैं। देखिए आज भी भगवान बुद्ध की धर्म जिंदा है, आज भी उनका धर्म हर प्रकार के लोगों को अपना सकता है। इसलिए उनका धर्म को कहता है अकालिक। अभी छोटा बच्चा के बारे में सोचिए, अगर वो बच्चा पापी दोस्त के साथ मिल गया तो वो बच्चा कभी आपका कहना मानता है क्या? कभी नहीं। आप सोचिए अच्छा एक बच्चा है, वो अच्छा बच्चा पाप मित्र लोग के साथ मिल करके दारू पीना शुरू कर देता है। इसके बाद पाप मित्र के साथ मिल करके गलत गलत काम करना शुरू कर देता है अच्छा बच्चा। इसके बाद वो बच्चा भी आपका कहना मानता है क्या? नहीं मानता है। देखिए कल्याण मित्र में पाप मित्र के साथ, पापी दोस्त के साथ रहने के कारण तीन कारण होता है। पाप मित्र साथ जो रहता है वो कभी भी लगाव नहीं रहता है, कोई प्यारा नहीं है तथा कहना मानता नहीं है। पाप मित्र संगत से बचना चाहिए तो और तीन कारण का जरूरत पड़ता है। वो है अहिरिक, अनुत्तप, प्रमाद। अहिरिक मतलब पाप करने में शर्म नहीं है। अनुत्तप मतलब पाप करने में कोई डर नहीं है। प्रमाद मतलब देर होते रहता है। पाप करने में शर्म नहीं है, पाप करने में डर नहीं है, जो देर होता है वे लोग पापी संगत में आ जाता है, पापी दोस्त लोगों के साथ संगत हो जाता है। ऐसे है तो पापी दोस्त लोगों के साथ संगत होने के लिए हम लोग के पास एक दोष है। वो क्या है दोष? पाप करने में कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, पाप करने में कोई डर भय नहीं है तथा देर होते रहता है। अभी अच्छा से देखिए, इसी मगध राज्य में अजासत राजा देवदत्त को कैसे फंस गया? क्योंकि वो पाप करने में कोई शर्म नहीं था, पाप करने में कोई भय नहीं था, देर होते रह गया, इसीलिए वो फंस गया। कोई कोई लोग होता है शादी में जाने के बाद, कहीं मेला में घूमने के बाद दोस्त लोग कहता है पी लो दारू पी लो ना, अभी इधर कौन देखेगा, पी लो ना, बिना पी के तुम लड़की जैसा रहेगा। अगर पाप करने में शर्म तथा भय है तो वो क्या करता है? नहीं पीता है। नहीं पीने के कारण
वो दोस्त लोग नाराज होता है। इस नाराज होने के बाद दोस्त लोग से आप मुक्त हो जाता है, हट जाता है, विदा होता है, इसके बाद सारी दिक्कत खत्म, पापी दोस्त से आप बच जाएगा। अब इसको कोई शर्म नहीं है, भय नहीं है, खतरा भी नहीं देखता है। वो दोस्त लोग क्या कहता है, कहने पर थोड़ा पीता है, पाप के लिए शर्म, पाप के लिए डर, पाप के लिए, पाप का कोई खतरा नहीं दिखेगा, तो दोस्त लोग जो कहता है इसलिए थोड़ा पीता है। फिर बुलाता है दोस्त लोग, फिर जाता है, फिर बुलाता है, फिर जाता है। कहाँ कमजोरी था, अपना पास प्राणियों को हत्या करने में फंस गया, तो चोरी करने में फंस गया, तो गलत काम करने में फंस गया, तो ये काम पे सब फंस जाता है। शर्म नहीं होने के कारण तथा पाप से भय नहीं होने के कारण तथा देर प्रमाद होने के कारण झूठ बोलने में फंस जाता है, दारू पीने में फंस जाता है, उसी प्रकार पांच प्रकार की दुष्चरित में फंस जाता है। किस कारण? पाप के लिए शर्म नहीं है, पाप करने में कोई डर नहीं है, देर होते रहता है। अगर शर्म भय हो गया तो वो तुरंत वो पाप से शर्म तथा भय डर है तो तुरंत अप्रमाद होता है, देर नहीं होता है, वो पाप से हट जाता है। पाप से हटने के बाद पाप मित्र लोग भी, दुष्ट मित्र लोग भी अपने से दूर हो जाता है। अच्छा से देखिए, इसी धर्म की मार्ग में जान इसी प्रकार जाना चाहिए। कई प्रकार के दोस्त लोग मिल जाता है, पेड़ का फल जैसा बहुत सारे दोस्त लोग मिल जाएगा, लेकिन इतना बहुत सारे दोस्त धर्म की रास्ता पे जाने वाला को, पुण्य करने वाला को डिस्टर्ब करता है। अगर पुण्य करते गया तो धर्म की रास्ता पे गया तो वो दोस्त लोग हट जाएगा। अगर आपका मन में दोस्त लोगों के ऊपर लगाव रह गया तो आपको पाप की रास्ता पे जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत दृढ़ संकल्प चाहिए, अधिष्ठान चाहिए, दृढ़ विचार चाहिए गलत संग से हटने के लिए। भगवान बुद्ध ने एक दिन एक गाथा बताया, नो चेला भेत निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं। अगर अपना जीवन के लिए ज्ञान प्रज्ञावान कोई दोस्त कल्याण मित्र नहीं मिला तो राजावराठं विजितं पहाय, जो जीता हुआ देश को त्याग करके जाने वाले राजा जैसा, एको चारे मातंग रन्येव नांगो, अपना परिवार से हट के जाने वाले हाथी जैसा अकेले रहने के लिए बताया। बहुत सारे दोस्त लोग मिल जाता है, मिलने के बाद गलत गलत काम पे ले जाता है, ले जा कर के जिंदगी बेकार कर देता है, समाज को भी घटा कर देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया उससे अच्छा है अकेले रहना, जीता हुआ राज्य को त्याग करने वाले राजा जैसा, अपना पूरा परिवार छोड़ के अकेले रहने वाले हाथी जैसा। अकेले रहने के लिए बताया, कल्याण मित्र नहीं है तो। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया ये
रास्ता। भगवान बुद्ध ने बताया जाति जरा मरण नष्ट करने के नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होने के कारण? राग द्वेष मोह। इसके बाद बताया राग द्वेष मोह नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होने के कारण? सक्काय दिट्ठि विचिकिच्छा सीलबद्ध परामास नष्ट होने के कारण। ये सक्काय दिट्ठि विचिकिच्छा सीलबद्ध परामास नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होने के कारण? तीन चीज नष्ट होने के कारण। अयोनिसो मनसिकार अज्ञान से मनन करना तथा गलत मार्ग का संगत करना, मन का मूर्छा मतलब मन सूखा हुआ रहता है, ये तीन चीज नष्ट हो गया तो। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया अयोनिसो मनसिकार और गलत मार्ग का संग तथा मन की मुरझाव नष्ट करने के लिए और तीन चीज का नष्ट करना जरूरी है। वो क्या है? मन का कमजोरी, ज्ञान इस्तेमाल नहीं करने का तरीका तथा मन का भटकना, ये तीन चीज दूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ये मन का कमजोरी, मन का मोहित स्वभाव, दूसरा ज्ञान इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करने का तरीका तथा तीसरा मन भटकने का तरीका, ये तीन चीज नष्ट कर सकता है और तीन चीज मिटाने से। वो है उत्तम भगवान बुद्ध के धर्म को सुनने में पसंद नहीं है, वो दूर करना चाहिए। पारशुद्ध धर्म को, धर्म बताने वाले लोगों को दर्शन करना पसंद नहीं, वो भी मिटाना है तथा धर्म सुनता है गलती खोजने के लिए, वो भी दूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया धर्म सुनने में पसंद होना चाहिए तो, धर्म बताने वाले लोग को दर्शन करना पसंद होना चाहिए तो, धर्म का गलती नहीं देखना चाहिए तो, और तीन चीज दूर करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। वो है अहंकार, दूसरा शांत नहीं होना तथा तीसरा दुशीलता। इसके बाद अहंकार, शांत नहीं होना, दुशीलता, ये तीन नष्ट करने के लिए और तीन का जरूरत पड़ता है। श्रद्धा नहीं होना, जो मान बोलता है वो नहीं मानना, वो नष्ट करना तथा आलसी नष्ट करना। ये श्रद्धा नहीं होना तथा अनाज्ञाकारी होना तथा कुसीत होना यानी कि आलसी होना, ये तीन नष्ट करने के लिए और तीन चीज का जरूरत है। वो है लगाव नहीं रहने का तरीका यानी कि प्यार, प्यार मतलब दया, तथा कहना नहीं मानने का तरीका तथा पाप मित्र के साथ संगत। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया कहना नहीं मानने का तरीका प्यारी नहीं होना तथा कल्याण मित्र के साथ नहीं संगत करना, पाप मित्र के साथ संगत करना, ये तीन कारण दूर करने के लिए और तीन कारण का जरूरत पड़ता है। वो क्या है? पाप को, पाप करने में शर्म नहीं है, पाप करने में डर नहीं है तथा देर होते रहता है, ये तीन कारण दूर करना चाहिए। ऐसे है तो हम लोग को अच्छी तरह से दिखाई देता है ये धर्म का शुरुआत है किस, कहां पर है। पाप में शर्म नहीं होना चाहिए, शर्म होना चाहिए, पाप करने में डरना चाहिए तथा देर होना दूर करना चाहिए। ये धर्म की रास्ता को हानि पहुंचता है,
पाप करने में शर्म नहीं होने के कारण, पाप करने में डर भय नहीं होने के कारण तथा प्रमाद होने के कारण। देखिए, सोचिए, कोई गलत काम करने वाले कोई हैं, झूठ बोलने वाले हैं, चुगली भी करता है, गारी देता है, इसका मन में शर्म आता है, भय आता है, आ करके वो सब दूर करता है। इसके बाद वो क्या होता है? अप्रमादी होता है, देर नहीं होता है। अप्रमादी लोगों को क्या मिलता है? पाप मित्र संगत दूर करता है, दूर करके वो प्यारा बन जाता है, आज्ञाकारी बन जाता है। पाप मित्र दूर करके कल्याण मित्र साथ संगत करता है। भगवान बुद्ध हम सभी लोगों को सबसे अच्छा कल्याण मित्र हैं। हम सबका देव ब्रह्म मानव सभी का सबसे अच्छा कल्याण मित्र तो भगवान बुद्ध है। इसके बाद उनका धर्म है, इसके बाद भगवान बुद्ध धर्म बताने वाले कल्याण मित्र लोग हैं। अगर पाप मित्र का संगत में आ गया तो ये कोई भी चीज से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप मित्र लोग कभी धर्म की रास्ता पे नहीं आ पाता है। कई दृष्टि में लग सकता है, कई गुरु के शरण में जा सकता है, लेकिन आर्य धर्म के रास्ता पे नहीं आ सकता है। कभी कभी माँ पिताजी दोनों सत्पुरुष हैं, लेकिन बच्चे लोग असत्पुरुष होता है, पापी होता है। ऐसे होने के बाद मम्मी पापा लोग अपना बच्चे लोगों को ले जाता है धर्म सुनने के लिए, कल्याण मित्र सा संगत करवाने के लिए। कोई कोई जगह है बच्चे लोग ठीक है, लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं। कोई कोई जगह में पति नहीं ठीक है, पति ठीक नहीं। कोई कोई जगह पति ठीक है, पत्नी ठीक नहीं। ऐसा अलग अलग प्रकार के है ये समाज। ये धर्म की रास्ता पे जाने के लिए मदद मिलता है सिर्फ कल्याण मित्र से। कल्याण मित्र है तो वे लोग बता देता है संसार की खतरा, वे लोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसीलिए धर्म पे हम लोग प्यार करना चाहिए, धर्म पर हम लोग आज्ञाकारी होना चाहिए, उन्हीं के पास श्रद्धा उत्पन्न होता है। इसके बाद धर्म पे ध्यान देता है, फिर धर्म को मनन करता है, अपना मन की कमजोरी को मिटाते हैं, वीर्य करता है, वीर्य करके शीलवान होता है। बिना वीर्य करके शीलवान नहीं हो सकता है। अच्छा से देखिए, वीर्य करके ही चोरी से मुक्त हो सकता है, प्राणियों को हत्या करने से मुक्त हो सकता है। वीर्य नहीं है तो नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है? वीर्य से अशांति दूर करता है, दुश्शीलता दूर करता है, निर्वाण की रास्ता पे जाता है। ऐसे तो ये रास्ता पे जाते बहुत थोड़े लोग इस संसार में, बाकी बहुत सारे लोग दुश्शील हैं। भगवान बुद्ध के समय में भी वैसे ही थे। कोई कोई लोग धर्म की रास्ता पे गया, कोई कोई लोग धर्म छोड़ दिया, कोई कोई लोग धर्म को डांट के रहा, आरे लोगों को डांटा। भगवान बुद्ध की धर्म को प्राप्त करने के लिए छह कारण होता है। पहला है सुसूसति, अच्छा से सुनना है। सोतंग ओदहति, अपना कान लगा के अच्छा से सुनना है। अन्याय चित्तंग उपट्ठ पेति, अवबोध करने के लिए जो बताता है वो ज्ञान को अवबोध करने के लिए ध्यान देना है। अथंग गन्हाति, उसी ज्ञान का अर्थ को अपनाना चाहिए। अनत्तंग रिंचति, जो नहीं जरूरी है वो छोड़ देना चाहिए। अनुलोमिकाय खत्या समन्नागत होती, वो जो सुना है वो अपना जीवन में उतारना चाहिए। इसी प्रकार धर्म सुनना चाहिए। हम लोग का
ये धर्म पे जाने के लिए अच्छी तरह से ज्ञान से मनन करना जरूरी है। हम लोग को मदद होता है चार साथी पठान से। होश में रह गया तो कर सकता है, ध्यान में रह गया तो कर सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया जिसके पास ध्यान है, ज्ञान से मनन करता है, वे मन का भटकना दूर करता है, मन का भटकना दूर करके मन शांत करता है। इसके लिए हमें बहुत कोशिश करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग पीछे आके नहीं कर सकते, आगे ही जाना चाहिए। ये सारे काम बहुत मिहीन है। भगवान बुद्ध ने बताया ना, एक दिन बताया वैशाली में लिच्छवी लोग तीर मारता है दूर चीज को तोड़ने के लिए। ये देख करके आनंद भंते जी ने भगवान बुद्ध को आके बताया, भगवान बुद्ध जी लिच्छवी लोग बहुत तेज हैं, बहुत तेज, बहुत मिहीन हैं, एकदम दूर लक्ष्य को मार देता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद वो मुश्किल है या घोड़ा का एक बाल लेकर के दूर और घोड़ा का एक बाल को मारना मुश्किल है? भगवान बुद्ध ने बताया वो क्या है, घोड़ा का बाल लेकर के दूर घोड़ा का बाल को मारना कितना मुश्किल है? भगवान बुद्ध ने बताया उससे भी मुश्किल है सक्काय दिट्ठी को नष्ट करना। इस मार्ग में योनिसो मनसिकार होना चाहिए, ज्ञान से मनन करना होना चाहिए। योनिसो मनसिकार मतलब साधना है। अभी हम लोग अशुभ ध्यान करेंगे तो, धातु मनसिकार करेंगे तो, मैत्री ध्यान करेंगे तो, आनापानासति ध्यान करेंगे तो, ये सब क्या है? योनिसो मनसिकार है। अनित्य ध्यान करेंगे तो, पाटिच संपाद को मनन करेंगे तो, ये सब योनिसो मनसिकार है। ऐसा करने से उसका मन मुरझाता नहीं है, खिल जाता है, सक्काय दिट्ठि खत्म हो जाता है। सक्काय दिट्ठि विचिकित्सा शीलबद्ध परामास खत्म हो गया तो उनके पास एक ज्ञान आ जाता है, वो है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब वो प्राप्त करता है पांच उपादान स्कंद को, ये है दुख। पांच उपादान स्कंद अविद्या के साथ है, अविद्या तृष्णा नष्ट हो गया तो इससे मुक्त हो सकता है। ये करना चाहिए आरिष्टांग मार्ग पे जा करके, ऐसा ये निर्णय लेता है, इसी ज्ञान को कहता है सत्य ज्ञान। हम लोग क्या करना चाहिए, सत्य ज्ञान पे जरूर आना चाहिए, मरने के पहले वीर करना चाहिए। सक्काय दिट्ठि विचिकित्सा शीलबद्ध परामास नष्ट करने के बाद हम लोगों को भगवान बुद्ध की रास्ता एकदम क्लियर होता है, साफ होता है। इसके बाद ये धर्म की रास्ता पे आराम से आगे जाके राग द्वेष मोह नष्ट करके जाति जरा मरण से मुक्त हो सकता है। इसीलिए जाति जरा मरण से मुक्त होने के लिए, राग द्वेष मोह को खत्म करने के लिए, सक्काय दिट्ठि विचिकित्सा शीलबद्ध परामास दूर करने के लिए, चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए हम आप सभी लोगों को मौका मिल जाए। साधु साधु साधु।